वहीं भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अविगाद बनकर तैयार है। इसे कल यानी कि 29 अगस्त को इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। अविगाद को 2017 में लॉन्च किया गया था, तब से इसकी टेस्टिंग भी जारी रही। अब फाइनली इसे कमीशन किया जाएगा। अविगाद INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर SBC में बनाया गया था। अरिहंत की तरह ही अविगाद भी 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस होगी। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत कमीशन्ड है, दूसरी अविघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इस सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर INS अरिहंत को लॉन्च किया था। इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। अगले 5 साल में 2 और पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। 2009 में लॉन्च करने से पहले भारत ने पनडुब्बियों को दुनिया से छुपा रखा था। 1990 में भारत सरकार ने ETV यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम भी शुरू किया था। इसके तहत ही इन पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हुआ था।